दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय क्रिस्टल टैरो कार्ड रहस्य। अगर आप इंडसलैंड बैंक के ग्राहक हो तो ये खबर आपके लिए है। आपको बता दें कि बैंक अपने ग्राहकों के खातों की और उनके पैसों की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेता है। अगर आपके खाते के साथ कोई साइबर फ्रॉड होता है तो बैंक आपकी कोई मदद नहीं करेगा, उल्टा मदद में असमर्थता दर्शाते हुए आपको आपके हाल पर छोड़ देगा। यह हम नहीं बल्कि इंडसलैंड बैंक रविनगर ब्रांच के ग्राहक डॉक्टर स्वप्निल पटेल का कहना है। उन्होंने कहा है कि उनके खाते से पहले प्लेटिनम डेबिट कार्ड के SMS चार्ज के लिए कई रुपए बैंक ने काट दिए। जब उन्होंने इस खाते में व्यवहार करना बंद कर दिया तो खुद बैंक के कर्मचारी ने आकर उन्हें खाता शुरू रखने की विनती की। वह मान भी गए मगर फिर से जब उन्हें परेशानी हुई, इस बार बैंक से बात करने पर बैंक ने बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र से बात करने को कहा। जब डॉक्टर स्वप्निल ने इस बारे में ग्राहक सेवा से बात की तो फिर क्या हुआ, आप खुद देखिए। सर मैं एक्चुअली मैं अपना इंटरव्यू पहले देना चाहता हूं। मैं डॉक्टर स्वप्निल पटेल, मैं वेली से आयुर्वेद नागपुर लक्ष्मी नगर में मेरा क्लिनिक है। सर मेरा 3 साल पहले जस्ट अपने लॉकडाउन के पहले मेरा अकाउंट खुला हुआ था इंडसइंड बैंक से। यहीं से जो एक्स बैंकर जो है अभी वो यहाँ पे नहीं है, उनका वो आए हुए थे मेरे पास में, उन्होंने अकाउंट मुझसे खुलवाए थे। अकाउंट मैंने खोला था जीरो जो ये होता है जीरो मेंटेनेंस वाला जो अकाउंट होता है वो डॉक्टर अकाउंट करके वो खुलवाए थे, वो चीज़ खुला हुआ था। तो उसके बाद में फिर सर क्या हुआ कि उन्होंने जो डेबिट कार्ड होता है प्लेटिनम का डेबिट कार्ड होता है वो भी एक्टिवेट कराए थे या मैंने किया था। उसके बाद में क्या हुआ, मुझे जस्ट वहाँ पे पैसे जब मैं डालता था तो उसमें सिर्फ मेरा SMS चार्जेस के थ्रू हर महीने पैसे कटता था। पैसे कटने के बाद में मैंने बैंक में कॉल किया तो उसके बाद वही बोले कि आपका जो है ये इसका कट रहा है। फिर 1000 रुपीज़ भी उसका मेरा डिडक्ट हुआ था जो, तो वो बोले कि आपका ये जो है डेबिट कार्ड का प्लेटिनम कार्ड का पैसा आपका कट रहा है। उसके बाद में फिर मैंने एम्प्लॉय यहाँ पे जो उसके बाद 2-3 मैंने उसमें पैसे रखना बंद कर दिया। जब ये थर्ड जो ये आया वेव आई थी उसके बाद में फिर मैंने उसके बाद से फिर यहाँ से एक एम्प्लॉय है जिसका नाम प्रणय मोटघरे करके है इंडसइंड बैंक रविनगर ब्रांच से, वो आए मेरे पास में। वो बोले कि सर आप अकाउंट में पैसे क्यों नहीं रख रहे हो, आपका तो जीरो। मैं बोला यार मैं जब भी पैसे रख रहा हूँ मेरे पैसे कट रहे हैं। वो खुद ही मेरा इन्फॉर्मेशन लेके क्लिनिक में आए हुए थे, मैं क्लिनिक में बैठा हुआ था। उसके बाद में बोले कि सर आपके इसके बाद में पैसा नहीं कटेगा, आपको जो है इसमें रखने का है, आप पैसे रख सकते हो। तो मैंने बोला चलो ठीक है। उसके बाद मैंने फिर मेरे जो सेविंग रहती है वो मैंने उस अकाउंट में डाला हुआ था जो कि मैं जो कि रहता है ना कि मैं उसको संभाल के रखूँ। सिस्टर की शादी थी वो मैं यूज़ करने वाला था। तो सर उसके बाद में क्या हुआ कि उससे फिर से मेरे 1000 रुपीज़ कट गए। 1000 रुपीज़ कटने के बाद में फिर मैंने उनसे एम्प्लॉय से बात किया, वो बोले कि सर आपका ये जो डेबिट कार्ड का प्लेटिनम वाला जो है उससे आपका चार्जेस कटा हुआ है। तो मतलब फिर कैसे करने का मैं उसके बाद में मैं बोला कि यार ये पैसे मैं रखते जा रहा हूँ, पैसे कटते जा रहे हैं। फिर मैंने उनको कांटेक्ट किया क्योंकि उनका वो ऑलरेडी मेरे जो इसमें थे पहचान उनकी हो चुकी थी, उसकी वजह से उनके साथ में मैं, तो उन्होंने बोले कि सर अभी काम करिए आप जो है, मैंने जिस दिन मेरा पैसे कटा मैंने 18 फरवरी को उनको मैंने मैसेज किया कि सर मेरा ये जो डेबिट कार्ड का जो प्लेटिनम कार्ड है जिसमें पैसे कट रहे हैं आप वो मेरा बंद करा दीजिए और मेरा जो पुराना है डेबिट कार्ड आप शुरू करा दीजिए। तो उसमें उन्होंने मैसेज किया कि सर ठीक है आप एक काम करिए, बोले आप कस्टमर केयर से बात करिए तो उसका आपको रिफंड मिल सकेगा। तो मैंने सर बोला किस नंबर पर कॉल करना है, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि मुझे किस नंबर पर कॉल करना है क्योंकि मैं क्लिनिक में बैठा हुआ था। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर जो है ये किया स्क्रीनशॉट भेजा कि सर आप इस नंबर पे कॉल करिए, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। उन्होंने बोली कि देखो आप एक बार अपने से कस्टमर केयर से बात करेंगे तो आई थिंक इसका रिफंड मिल सकेगा। मतलब किस नंबर पर कॉल करना है, तो उन्होंने मुझे ये नंबर भेजा। इस पर मैंने जो चीज़ें हो सकती है पहले टोल फ्री नंबर पर कॉल करने के बाद में उन्होंने मुझे वीडियो ब्रांच का जो कस्टमर सर्विस है उसका लिंक भेजा था, उस पर मैंने कॉल किया। वहाँ पे कॉल नहीं लगा तो सर मैंने जो फर्स्ट नंबर जो उन्होंने दिया हुआ था उस नंबर पे जब कॉल किया तो वहीं से बोले लगे वो लोग कि वेलकम टू इंडसइंड बैंक। तो मैं यही समझा कि मैं कस्टमर केयर से बात कर रहा हूँ। तो मैंने उनको वही बताया कि मुझे जो मेरा डेबिट कार्ड का प्लेटिनम का जो है मुझे बंद कराना है। तो सर बोले कि ठीक है आप एक काम करिए, आप जो इंडसइंड बैंक की जो लिंक होती है उस पर जाके अपनी डिटेल भरिए। और मुझे ये नहीं पता कि मैं किस नंबर पर कॉल कर रहा हूँ, मैं तो यही समझ रहा हूँ कि मेरा जो मुझे एम्प्लॉय ने नंबर दिया मैं उस नंबर पर कॉल कर रहा हूँ। उस नंबर पर कॉल करने के बाद में मैं जैसे ये कर रहा हूँ तो मेरा जस्ट कुछ देर के बाद में जब मैंने वहाँ पे डाउनलोड करने के बाद में मैंने जो इसकी डिटेल भरा, कार्ड की डिटेल भरा, उसके बाद मेरे जो मुझे ये चीज़ तो पता था कि OTP आती है, OTP शेयर नहीं करना चाहता।
ओटीपी शेयर नहीं किया जाता उतना तो एज अ डॉक्टर और एज सब हर किसी को पता रहता है। तो मैंने तो बिल्कुल भी ओटीपी शेयर नहीं किया। तो सर अब मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने मेरा अकाउंट कैसे हैक किया, क्या किया, और जो नंबर इन्होंने मुझे सेंड किया हुआ था प्रणय मुठघर है ना इंडसइंड बैंक से, मैंने वही नंबर में कॉल करके उनसे बात किया और फिर सर जस्ट मिनट के बाद में मेरा जो है 1,00,000 रुपीज पहले 10 रुपये डिडक्ट हुआ, फिर उसके बाद में मेरा 20,000 करके 4 ट्रांजेक्शन कट हुए और ये सब 5 मिनट के अंदर हुआ। सर मुझे टाइम भी नहीं मिला कि मैं दूसरे अकाउंट में उसको ये कर सकूँ, फॉरवर्ड कर सकूँ। उसके बाद में फिर जैसे पैसे कटा मैंने अपने जो पार्टनर है, मेरे डॉक्टर पार्टनर है, उनको लेके तुरंत में मैं बैंक पहुँचा। रास्ते में मुझे कॉल आया कि सर ये जो आपका पैसा कटा हुआ है ये आपने ट्रांजेक्शन किया है या आपके साथ फ्रॉड हुआ है। मैंने सर मेरे साथ में फ्रॉड हुआ है और मैंने बोला आपके एम्प्लॉय ने, आपके बैंक के एम्प्लॉय ने मेरे साथ में फ्रॉड किया है। अब उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे आया, बैंक में आया, बैंक से हमने कंप्लेंट दर्ज कराई। कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद में साइबर सेल में गया, साइबर सेल में जो जो चीज़ें होती है सर वो सब चीज़ें करवाया। मैंने यहाँ पे बोला कि सर ये जो गलती हुई है ये तो एम्प्लॉय की तरफ से हुई है, तो अभी ये अपने हाथ खड़े कर दिए, ये बोलते कि हमारे तरफ से कोई नहीं है, ये RBI का है 21 दिन का। सर 21 दिन तक के मैंने वेट किया। इन्होंने ये भी बोला कि आपका डेबिट कार्ड का प्लैटिनम का जो होता है कार्ड प्रोटेक्शन, आपको उसका रिफंड मिलेगा। साइबर सेल में भी उनको जब बुलाया गया तो उन्होंने वही बोला। अभी तक के मैंने वेट किया, एज अ डॉक्टर मैंने वेट किया सर, कि मैं यही सोचा कि चलो एम्प्लॉय ने गलती किया है, हो सकता है कि अगर मुझे रिफंड मिल जाएगा तो मैं, लेकिन सर इसमें जो गलती हुई है, अभी जो गलती हुई है मैं इसके लिए अभी मैं कैसे चुप रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आती है। मैं 1,00,000 सर 10-20 हज़ार रुपये कटा रहता है, मैं कुछ नहीं बोला रहता, लेकिन मेरा 1,00,000 रुपये पूरा ट्रांजेक्शन इसमें डिडक्ट हुआ है। मैंने बैंक अभी बोल रहा है कि प्रोसेस में हमारी टीम की साइबर सेल काम कर रही है 21 दिन, मैंने जब बोला था तो बोले 21 दिन का इसका टाइम पीरियड होता है, 21 दिन तक के वेट किया, कोई मुझे अभी तक इधर से कोई भी सहायता कुछ नहीं मिला हुआ है। हम कर रहे करके बोल रहे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। बाकी लोग जो इंडसइंड बैंक पे खाता खोलना चाहते हैं या फिर उनके पैसा है तो उनको क्या बताऊंगा? सर मैंने जब अकाउंट खोला था, मेरे पूरे जो डॉक्टर्स थे, मेरे बैचमेट थे, उन्होंने सबने खोला हुआ था, वो भी तो सब बंद कराने वाले हैं। और मैं सभी को वही बोलूंगा कि प्लीज़ यहाँ पे आप खाता मत खुलवाइए, और आप तो पहली बात तो भरोसा मत करिए, एज ए बैंकर के ऊपर में आप भरोसा मत करिए, कि अभी अपन भरोसा किसी के ऊपर भी नहीं कर सकते कि कौन कहाँ पे कैसे होगा करके। तो सपोर्ट नहीं किया मुझे, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि RBI की तरफ से और कि 21 दिन के अंदर में पैसा रिफंड मिलता है। तो मैंने तो जो जो चीज़ें होती है 1 घंटे के अंदर में कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है वो सब चीज़ें मैंने किया हूँ। साइबर सेल में मैंने 4 घंटे के अंदर में पूरे कंप्लेंट दर्ज कराई थी। और सर अभी इसके बाद में वही है कि मैं कंज्यूमर कोर्ट में भी जाऊंगा, मेरे पास में सभी प्रूफ है, मेरे पास जो भी चीज़ें मैं प्रूफ रहती है वो सभी चीज़ें सर मेरे पास में की हुई है। और मेरी आप सभी लोगों से यही अपील है कि आप अगर आपका खाता इंडसइंड बैंक पे होगा तो आप प्लीज़ निकालिए, क्योंकि इधर में आपको ये कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम, कोई भी सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे है नहीं, क्योंकि ये अगर ये नंबर मुझे जब इसमें से सेंड कर सकते हैं स्क्रीनशॉट से, तो कुछ भी किसी के साथ कभी भी फ्रॉड हो सकता है। तो इसलिए मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि आप प्लीज़ बिल्कुल भी अपना अकाउंट जो भी आपने खाता खोला होगा बंद करा दीजिए, क्योंकि इसके बाद में मैं और सोशल मीडिया के थ्रू ये सब चीज़ें मैं जानकारी देना चाहता था, और ये चीज़ें सर के थ्रू अभी मैं दे पा रहा हूँ, और इसके बाद भी मैं आपको और इसके बारे में जानकारी दूंगा। ये प्रूफ वगैरह जो मैं अपने फेसबुक अकाउंट से सबको मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरे साथ में क्या फ्रॉड हुआ है। देश में और शहर में बैंक से जुड़े साइबर मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। इस बारे में रिजर्व बैंक हर बार कई विज्ञापन निकालकर ग्राहकों को जागरूक भी करता है। बैंक की भी कुछ जिम्मेदारी RBI ने सुनिश्चित की है, मगर फिर भी इस मामले में बैंक का रवैया चौंकाने वाला है। पहले आप भारतीय रिजर्व बैंक का वो विज्ञापन देख लीजिए। चलता है कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इस मामले में पीड़ित डॉक्टर स्वप्निल पटेल ने पुलिस से गए साइबर सेल से भी शिकायत की है, बैंक से भी शिकायत की है। बैंक का तो छोड़ दीजिए, पुलिस की तरफ से भी अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बैंक फ्रॉड के कई मामले पिछले कुछ सालों से सामने आए हैं, कुछ में पुलिस को कामयाबी मिली है, मगर ज्यादातर मामले अब भी पेंडिंग है। बढ़ते पेट्रोल के दामों ने अगर बढ़ाई है आपकी चिंता, तो इलेक्ट्रॉनिक बाइक आपके चेहरे पर लाएगी खुशी, क्योंकि अब सिर्फ 13 पैसों में इलेक्ट्रिक बाइक चलेगी पूरा 1 किलोमीटर और बचाएंगे आपके 1,000 रुपए। तो देर किस बात की, आइए सचिन ई बाइक और ले जाए आपके पसंद की ई बाइक। हमारा पता प्लॉट नंबर 49 ग्रेट नाग रोड नियर भारत पेट्रोल पंप सिरसपेट नागपुर। कॉन्टेक्ट अस ऑन
रमेश जुगेले 9881230037 और जगदीश जुगेले 9822710072।